गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर थर्टीन साउंड तो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल आप जब स्कूल में क्लास अटेंड करते रहते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि जो पीरियड चल रहा था वो ओवर हो चुका है यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर वेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल कोई आपके दरवाजे में खड़ा है तो आपको इजीली तब पता चल जाता है जब वो दरवाजे में नॉक करता है या आपका डोरबेल बजाता है मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग दुट स्टेप और कभी कभी आप सिर्फ कदमों की आहट से ही जान जाते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सी इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर तो आपने भी खेला होगा हाइड एंड सीख तो एक के आंख में पट्टी बांधी जाती है और बाकी सब को वो जिसके आंख में पट्टी बांधी रहती है वो दूसरों को कैच करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा है हाउ इज ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोज टू हर या हिम उसके आसपास कौन है ये उसको कब पता चलता है कैसे पता चलता है साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर लाइफ तो हमारे जीवन में साउंड का विशेष महत्व है इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विदर साउंड के हेल्प से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं वेराइटी ऑफ साउंड इन आर सराउंडिंग हम अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग प्रकार के साउंड को सुनते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन यूर सराउंडिंग इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट तबला हार्मोनियम तो आपने इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनी होगी हाउ इज साउंड प्रोड्यूज साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू अनादर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है हाउ डू वी हियर साउंड हम साउंड को सुनते कैसे है वायर सम साउंड लाउडर देन अदर कुछ साउंडस कुछ दूसरे साउंड के कंपेयर में ज्यादा लाउडर क्यों होते हैं वी शेल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से टच द स्कूल बेल वेन नॉट इन यूज जब स्कूल बेल स्थिर अवस्था में हो आपको उसे तब टच करना है वॉट डू फील आप क्या महसूस करेंगे अगेन टच इट वेन प्रोड्यूसिंग साउंड दूसरी बार तब टच करिए जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही हो कैन यू फील इट्स वाइब्रेटिंग क्या आप उसके वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं एज यू लर्न इन क्लास सेवन द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्डन वाइब्रेशन क्या है किसी भी वस्तु का आगे पीछे याट होता है मोशन होता, होता है उसे हम क्या कहते हैं वाइब्रेशन वेन अ टाइटली स्ट्रेस्ड बैंड इज प्लग जब किसी रबड़ बैंड को टाइटली स्ट्रेस्ड करते हैं हम और उस पर उंगली फेरते हैं या उसको खींचते हैं उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है साउंड प्रोड्यूस होती है वेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड लेकिन जब आपका रबर बैंड हिलना बंद कर देता है तो क्या उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है नहीं वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड तो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस कुछ केसेस ऐसे हैं जहां वाइब्रेशन आपको इजिली दिख जाते हैं बट इन मोस्ट केसेज देअर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल उनका एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते हाएवर वी कैन फील देम लेकिन इसके बाद भी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं

घटम एंड द नूट मर्ट पॉस एंड द करताल दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट ऑफ आर कंट्री तो इनका इस्तेमाल हमारे देश में बहुत सारे जगह किया जाता है दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटेड और स्ट्रक कैन यू नेम अ फ्यू एन अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको सिर्फ बीट किया जाता है इनको बजाने के लिए तो आपको इसी तरीके के और इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचना है यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं अब पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस इंसानों के द्वारा भी साउंड प्रोड्यूस होता है हम बोलते हैं स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल आप जोर से आपको बात करना है और सिंग अ सॉन्ग या फिर गाना गाना है और बस लाइक अ बी या बीज की तरह आपको साउंड करना है पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर थर्टीन पॉइंट एट तो फिगर थर्टीन पॉइंट एट में जैसे बताया गया है आपको अपने थ्रोट थ्रोट में में जब आप साउंड कर रहे होते हैं तो थ्रोट में हाथ लगा के महसूस करना है डू यू फील एनी वाइब्रेशन जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको किसी तरीके का वाइब्रेशन महसूस होता है इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स जिसे कि नारेक्स कहते हैं पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ट बम्प दैट सीम्स टू Move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. जब आप कुछ भी निकलने की कोशिश करते हैं तो अगर आप यहाँ हाथ रखते हैं तो आपको जो उभरा हिस्सा महसूस होता है वो क्या है वो वॉइस बॉक्स है इट इज एट द अपर एंड ऑफ द पाइप तो जो वॉइस बॉक्स है वो आपके विंड पाइप के जस्ट ऊपर रहता है टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो वॉइस बॉक्स में स्ट्रेच बने होते हैं इन सच ए वे दैट इट लीव between them फॉर द पैसेज ऑफ एयर और उनके बीच में से एक बहुत ही सकरा सा पैसेज बनता है एयर का वेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट जब लंग्स एयर थ्रू करती है और एयर उस स्लिट से होकर गुजरती है द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट तो जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट होता है प्रोड्यूसिंग साउंड जिसके कारण से साउंड प्रोड्यूस होती है मसल्स अटैच टू द वोकल कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज तो जो मसल्स होते हैं वोकल कॉर्ड के साथ वो क्या करते हैं उसे टाइट और लूज करते हैं वेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट तो जब वोकल कॉर्ड टाइट और पतला होता है तो साउंड जो है थोड़ी सी अलग निकलती हैं। फ्रॉम दैट वेन दे आर लूज एंड थिक लेट लेटर्स सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन तो जब वो लूज या थिक होती है तब भी साउंड अलग होती है अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे